गुड मॉर्निंग गाइज आज की मॉर्निंग हमारी स्नो से स्टार्ट हुई है अब स्नो क्लीन करेंगे कुछ कैलोरीज बर्न करेंगे बिफोर ब्रेकफास्ट स्नो आती है तो ऐसे पड़ती है ना वाइट वाइट अच्छी लगती है बट जब उसे ऐसे इकट्ठा करना पड़ता है ना तब बैंड बजती है सो so, चलो मैं अब इसे इकट्ठा कर लेती हूँ क्लीन कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपको लुक एट दिस गाइस बहुत स्नो है आज हो गया है सारा क्लीन गाइस लुक एट स्नो अभी तो ये जस्ट स्टार्टिंग है And here we go, our decor एंड हो गया अब चलते हैं अंदर करूँगी पहले मैं अपना breakfast। अब थोड़ा सा किचन को छाइडी अप कर लेती हूँ एंड रात को हमेशा मैं स्टोव को ऐसे क्लीन कर देती हूँ अब मैं उसे सेट कर दूँगी ग्रिल्स को एंड थोड़ा बहुत जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं उनको मैं अपनी जगह पहुँचा देती हूँ जो रात को वॉश हो जाते हैं अब एक अनबॉक्सिंग करेंगे जे है प्रोड्यूस कीपर्स मैं लेकर आई थी अपनी ग्रॉसरी में अगर आपको याद होगा मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था तो आज टाइम मिला है मुझे ओपन करने का लैसी इसे ओपन करते हैं मैंने इनके ओल्ड वन भी यूज़ किए हैं बट उनके लिड्स अच्छे नहीं थे बहुत लूज़ थे बहुत इजीली ओपन हो जाते थे बट ये बेटर वे में उन्होंने नए निकाले हैं अब मैं इनको यूज़ करूँगी लस्सी कैसे हैं सो so इसमें एक बुकलेट होती है उसमें बताया है कि कैसे आपको इनको यूज़ करना है अगर आप फ्रेश प्रोड्यूस के लिए यूज़ करते हो सो so इसमें थ्री कंटेनर्स हैं एंड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे हैं साइज़ भी बहुत अच्छा है एंड इस क्वालिटी इज़ ग्रेट बहुत अच्छी क्वालिटी है एंड ऐसे लॉक के साथ अब आते हैं एंड पहले ओल्ड वाले भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो मैंने बिल्कुल लाइक नहीं किए उनका जो ढक्कन होता है ना वो इजीली ओपन हो जाता है बट ये लॉक लगता है सो so ये इन्होंने न्यू इम्प्रूवमेंट की है एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका साइज एंड इसमें क्या क्या आता है ये जो शीट है इसे आप बॉटम पे यूज कर सकते हो एंड फोल्ड करके डिवाइडर बना सकते हो एक कंटेनर में आपको दो मिलती हैं नेक्स्ट इसके साथ अनदर साइज है वो रेड कलर में है उसमें भी आपको दो शीट्स मिलेंगी एक फोल्ड करने के लिए एंड इसका साइज बहुत अच्छा है फर्स्ट वन का एंड उसमें भी सेम लॉक लगे हुए हैं लिड पे थर्ड कंटेनर का ये साइज है इसमें डिवाइडर्स बास्केट के साथ आते हैं बहुत ही क्यूट है एंड आप देख सकते हो लिड एंड ये टू बास्केट्स इसको आप ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो सेपरेटली ये सबसे बड़ा साइज़ है एंड आप देख सकते हो कि कितना बड़ा है एंड वन शीट आप नीचे प्लेस कर सकते हो एंड नीचे इसके आप वाटर ऐड कर सकते हो इससे आपका जो फ्रेश प्रोड्यूस है ना वो फ्रेश रहता है एंड ड्रेन के साथ आता है नीचे वाटर निकाल सकते हो वो मैं शॉर्टली आपके साथ शेयर करती हूँ एक शीट आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो ओनली वन साइड को फोल्ड होती है इसको आप एज़ अ डिवाइडर यूज़ कर सकते हो लाइक like एक साइड आप क्यूकम्बर्स रख सकते हो एक साइड कीरट्स और स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज आप ऐसे से अपने लाइक like, कुछ भी फ्रेश प्रोड्यूस और वेजिटेबल्स आप डिवाइड करके स्टोर कर सकते हो जे प्लास्टिक की वाटर ड्रेन करने के लिए है प्लग इसको आप टर्न करके लॉक कर सकते हो एंड टर्न करके इसको ओपन कर सकते हो लाइक दिस फिर जितना भी इसमें वाटर होता है आप उसे निकाल सकते हो एंड फ्रेश वाटर ऐड कर सकते हो लार्ज एंड मीडियम साइज में आपको ऐसा डिवाइडर मिलता है जिसे आप मिडल में, में यूज़ कर सकते हो एंड छोटे में आपको टू बास्केट्स मिलती हैं हे गाइस गुड मॉर्निंग मैं आ गई हूँ अपने ऑफिस में एंड ब्रेकफास्ट डन हो चुका है किचन नीट एंड क्लीन एंड मैंने अनबॉक्सिंग की है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वो कैसे आप यूज कर सकते हो एंड आज मैं आपके साथ हेल्दी रेसिपी शेयर करूंगी अगर आप कनाडा में रहते हो तो फ्रेश ही जाते होंगे ना वहाँ से आप वेजी पॉल लेते हो सो so, वह सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि घर में आप सारी चीजें कैसे रेडी कर सकते हो अब मैं जल्दी से एडिट कर लेती हूँ वीडियो एडिट करके नहा के फिर मैं स्ट्रेट को आपको मिलूंगी किचन में वेजी बाउल बनाने के लिए हमें चाहिए ब्राउन राइस ब्राउन राइस से ही अच्छी बनेगी वाइट यूज़ करना चाहते हो दैट इज टोटली यू इसको मैं पहले बॉईल करूंगी एंड अच्छे से वॉश करके राइस को एंड उसे मैं बॉईल करने को रख दूंगी इसको जब आप बॉईल करते हो लिटिल विट ऑयल एंड सॉल्ट ऐड कर दें एंड साथ में ही मैं किनुआ को बॉयल करूँगी द सेम वे देख ये सारी चीजें बॉईल हो रही है। मैं अबोकेडो को वॉश करूंगी एंड इसको मैं कट करके मैश करूंगी अब मैं अबोकेडो को मैश कर लूंगी आप फोर्क भी यूज कर सकते हो और पटेटो मैशर इसमें मैं ये गवाकोमाली का रेडीमेड मिक्सर यूज़ करूँगी अगर आपके पास नहीं तो आप यूज़ कर सकते हो लेमन टमेटोज अनियंस एंड ऐसे आप गर्मी ही बना सकते हो ऐसे मिक्स करके आप इसे फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए अदर हाफ़ मैं आपके साथ लेटली शेयर करूँगी कि इसमें और क्या क्या ऐड करना है किन्वा एंड राइस हमारे बॉयल हो रहे हैं इनको मैं बॉयल होने दूंगी एंड तब तक, तक मैं अदर वेजिटेबल्स चॉप कर लूँगी जो मुझे चाहिए बाउल के लिए सो so, सबसे पहले मैं सिलेंट्रो यूज़ करूँगी सिलेंट्रो से बहुत ही अच्छा फ्रेश टेस्ट आता है बाउल में इसे ज़रूर यूज़ करें और मिंट भी यूज़ कर सकते हो लिटल वेट टर और धनिया के साथ मैं कुछ टोमेटोज़ भी कट करूँगी फ्रेश एंड थैंक यू करती हूँ जो मेरी रेसिपीज़ लाइक करते हैं आई नो बहुत ज़्यादा आप मेरी रेसिपीज़ लाइक करते हो एंड मैं ट्राई करती हूँ कि सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ सो so, थैंक यू अब मैं इसको छोटे जोड़ छोटे पीसेस में कट करूँगी एंड इसके साथ मैं बनाऊँगी सावर क्रीम उसको रेडी कर लेती हूँ ये सावर क्रीम यूज़ करूँगी आप कोई भी यूज़ कर सकते हो अभी तो सारी चीज़ें मैं रेडी कर रही हूँ इसमें मैं लूँगी अराउंड थ्री फोर टेबल स्पून इसमें मैंने मिक्सचर ऐड किया है धनिया मिंट एंड लिटिल बिट लेमन जूस इसको ट्राई करना बहुत अच्छा बनता है इसे आप नाचो के साथ यूज़ कर सकते हो इवन ऑन अ ब्रेड बहुत अच्छा बनता है अब मुझे लेमन भी चाहिए एंड लाइम भी चाहिए आप कोई भी ले सकते हो दोनों में से मुझे आदत है दोनों को मिक्स करके यूज़ करने की टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है इनको स्क्वीज़ करके रख लेती हूँ एंड इसको एक्चुअली मैंने सावर क्रीम में भी यूज़ किया है नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी कॉर्न बीन्स जो डिब्बे वाले मेलोडीज़ आती है ना वो ले सकते हो नहीं तो सेपरेट अगर आपके पास पड़े हैं तो वो ले सकते हो कॉर्न बीन्स अब मैं इसको मिक्स करूँगी बनाऊँगी फ़र्स्ट इसमें मैं ऐड करूँगी अनियंस आप ग्रीन अनियंस भी यूज़ कर सकते हो टमेरोज़ फ़्रेश टमेरोज ही यूज़ करें बहुत ही अच्छा बनता है एंड सिलेंट्रो ये तो कभी ना भूले इसमें धनिया इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है ना हम यूज़ कर रही हूँ ब्लैक पेपर ब्लैक सॉल्ट एंड लिटिल विट चाट मसाला एंड लेमन जूस ऐसे ही आप अपना चिक्पी बीन्स का सैलड बना सकते हो बहुत अच्छा बनता है ट्राई करना जरूरी इसे मिक्स करके रख लेती हूँ साइड पर राइस बॉयल हो गया है स्ट्रेन करके इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टाकू सीजनिंग जो हमेशा मैं यूज़ करती हूँ जो वैल्यू साइज़ आपको मिल जाता है स्टोर में इसके थ्री फोर टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हो बट अकॉर्डिंग टू टेस्ट फैले दो से स्टार्ट करें इसे अच्छे से मिक्स करें थोड़ा बहुत सॉल्ट ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो लिटल बिट लेमन जूस ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो नेक्स्ट मेरे पास है किनुआ इसमें मैंने ऐड किया है ब्लैक पेपर सॉल्ट धनिया एंड इसमें लेमन जूस भी ऐड किया है इसको अच्छे से मिक्स कर लें एंड इसमें आप टोज़ एंड अनियंस भी ऐड कर सकते हो एंड ग्रोकोमोली ठंडी हो गई है अच्छे से इसका मिक्सचर रेडी करेंगे इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ फ़्रेश टमेटोज अनियंस आप ग्रीन अनियन यूज़ कर सकते हो एंड सिलेंट्रो एंड फिर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें लिटिल विथ लेमन जूस नेक्स्ट मैं बनाऊंगी ब्लैक बीन्स इसके बिना तो जो बाउल होती है ना वो अधूरी रह जाती है पैन में मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल ब्लैक पेपर ब्लैक सॉल्ट एंड लेमन जूस इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें इसको मैश करने की ज़रूरत नहीं आप इसे ऐसे ही रखें तो अच्छी दिखती है एंड अच्छी लगती है एंड मेरा मेन इन्ग्रीडियंट वो है टाको सीजनिंग इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो एंड अच्छे से मिक्स करके इसे पका लें ओके okay, जो जो मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्लैक बीन्स रेडी हो चुकी हैं किनवा रेडी हो चुका है एंड ब्राउन राइस रेडी हो चुके हैं एंड सालसा हमारा रेडी है ऐसे सैलड आप रेडी कर सकते हो एंड सैलड फ्रेश सैलड भी आपको चाहिए एंड ग्रोकमॉली भी हमारी रेडी है अच्छे से ठंडी हो चुकी है ऐसे चिल्ड होनी चाहिए एंड क्रीम सावर क्रीम इसे भी हमने बनाया टॉपिंग के लिए आप सालसा यूज़ कर सकते हो एंड नाचो सॉस सर्व करने के लिए आपके पास ऐसी डीप राउंड बाउल होनी चाहिए मैंने डोरामा से ली थी एंड राइस इसमें ऐड करेंगे फर्स्ट राइस ज़्यादा होते हैं उसे आप फ्लैट कर लें एंड किनवा किनवा में ऐड कर सकते हो अनियंस एंड टमेरोज एंड उसके साथ बीन्स नेक्स्ट इसमें ऐड करूँगी सालसा एंड बहुत सारा ग्रीन सैलड इसमें मैं बहुत सारा ग्रीन सैलड ऐड करती हूँ एंड आप अपनी चॉइस का ग्रीन सैलड ऐड कर सकते हो एंड नैक्स्ट इसमें मैं ऐड करूँगी क्लोकोमोली जो ठंडी होनी चाहिए एंड चिल्ड क्रीम चीज़ टॉपिंग के लिए आप सालसा यूज़ कर सकते हो और नाचू चीज़ ये ऑप्शनल है अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो स्किप कर सकते हो बट सालसा से थोड़ा सा अच्छा लगता है और टॉप मैंने थोड़े से नाचू चिप्स यूज़ किए हैं आप ड्राई अनियंस भी यूज़ कर सकते हो और टोटली स्किप कर सकते हो सो so, ऐसे बना सकते हो आप अपनी बाउल करने जा रही थी अपना स्किन के रूटीन एंड मैंने सोचा पहले वीडियो अपनी एडिट कर लूँ एंड आज मैंने बनाई थी वेजी बाउल उसे देख देख के मेरे मुंह में फिर पानी आ रहा है एंड बहुत अच्छी बनती है ऐसे एंड पहले आप फ्रेश में ट्राई करना फिर घर बनाना जो घर का फूड होता है ना उसका टोटली अलग ही मज़ा होता है आप एग्री करते हो तो कमेंट करना सो so मुझे घर में फूड बनाना बहुत अच्छा लगता है जब मैं खुद सारा कुछ घर में रेडी करके अपनी फैमिली को देती हूँ ना तो मुझे अंदर से एक सेटिस्फैक्शन आती है तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी के लिए बना रही हूँ कोई मेरे हाथ से खा रहा है सो so, आपको भी मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है राइट right? इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ सो थैंक यू करती हूँ जो मुझे इतना प्यार देते हैं थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट ऐसे ही प्यार करते रहो कमेंट करते रहो वीडियो को लाइक करते रहो एंड शेयर करते रहो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड ट्राई करना जो भी मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ ट्राई करके मुझे बताना कि कैसी बनती है जी बाउल तो जरूर ट्राई करना सो so, अब मैं मिलूंगी आपको अनदर कमिंग वीडियो में ब्लॉग मस चल रहा है वीडियो एवरी डे आ रही है सो so, अब मैं मिलूंगी टुमारो मॉर्निंग ऑन टल देन ठीक है लव यू एंड बाय गाइस